फ्रेंड्स, हम आए हुए हैं आज हम अपने शहर के एक नदी पर, जो नदी बहुत ही फेमस है। ठीक है, छावड़दानों का यह नदी है और उस नदी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो आ सकते हैं। अगर मेरे घर के आसपास का आदमी कोई हो, इस वीडियो को देख रहा हो, तो जान ही रहा होगा। ठीक है, अगर आप आसपास के नहीं होंगे तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। ये जो नदी है, ठीक है, छावड़दानों का बहुत ही फेमस नदी है और पटना के बाद बिहार का एक नदी है, जो पटना का नदी है गंगा नदी, बहुत ही फेमस है। ठीक है, उस नदी के बाद इसका ही स्थान आता है। यह जो नदी है बहुत ही बड़ा है, प्रसिद्ध है। इसका जो कारनामा है बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर जो छठ दो तरफ मनाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक उस तरफ आप देख सकते हैं, इस पानी के उस पार, एक इस तरफ। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आए हुए हैं हम लोग, तो सोचें क्यों ना वीडियो बना दें। हाँ, हाय, जगह है, आइए। तो फ्रेंड्स, आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी पानी है। पानी अभी क्रॉस हो रहा है, पानी जा रहा है, आ रहा है। ये जो नदी है बहुत ही दूर से है, बहुत ही विशाल नदी है ये, लेकिन अभी देखने में सिंपल है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर छठ मनाई जाती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है छठी माता का मूर्ति है। ठीक है, और यहाँ पर सारे छठी माता का ही मूर्ति हैं, और इस तरफ भी छठ मनाए जाते हैं और उस तरफ भी छठ मनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है पोखरे हैं। ठीक है, पोखरे नहीं है, इसे नदी बोला जाता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर पर्व मनाई जाती हैं। ठीक है, और इसका जो ये नदी है, ठीक है फ्रेंड्स, इसके पुल है, पुल जो बहुत ही पुराना पुल है, बहुत ही पहले बना हुआ था यह पुल, अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था इसको। ठीक है, और ये जो है बहुत ही पुराना है, सदियों बहुत ही पुराना, कम से कम 200 साल पुराना ये नदी जो है, नदी है। ठीक है, और अंग्रेजों के टाइम में ये जो है नदी को बनाया गया था, ये नदी को सर को बनाया गया था। इस नदी तो 5 साल पुराना, लेकिन पुल जो है, ठीक है, यह 2 साल पुराना है, अभी तक नहीं टूटा है। बहुत सारे पुल होते हैं जो 2 साल नहीं रहते हैं, लेकिन ये जो पुल है 2 साल रहा है। ठीक है, और उस तरफ छठ मनाया जाता है, उस तरफ और इस तरफ भी मनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा है, बहुत फेमस है यहाँ का, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और उधर भी जगह है, ठीक है, उधर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ लाइव। उस तरफ आप जाइएगा, ठीक है, उधर भी आपको मिलेगी जगह जहाँ पर बच्चे आते हैं योगा कसरत सुबह में करते हैं, और बहुत सारे बच्चे यहीं से कसरत कर आर्मी बन जाते हैं। ठीक है, और घर वो देख सकते हैं, वो जो घर है, यह वाला घर, यह अंग्रेजों के टाइम में बनाया गया था। ठीक है, घर जो है बहुत ही पुराना घर है, वो आज का घर नहीं है, वो बहुत ही पुराना, बहुत ही पुराना। ठीक है, तो आपको सारे दिखाएंगे, अभी कम ही है। और यहाँ पर देख सकते हैं, इस नदी के बारे में बता रहा हूँ, इस नदी में बहुत ही ठंडा ठंडा जल होता है। ठीक है, और यहाँ का पानी सिर्फ यहीं नहीं रहता है, इसमें का पानी बहुत सारे गाँव में जाते हैं, जिस पानी से हम लोग खेतों को सिंचाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ठंडा ठंडा पानी है एकदम, और इसमें से बालू भी बहुत सारे मानव है, ठीक है, व्यक्ति हैं जो इसमें से बालू निकालकर अपने घर पर ले जाते हैं और उस बालू से अपना घर बनाते हैं। लेकिन अभी बैन हो गया है फ्रेंड्स, अभी बेसी नहीं ले जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कटरा 3 कटरा 10 कटरा ले जा सकते हैं, 2 ट्रैक्टर 4 ट्रैक्टर आप इसमें से बालू नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अभी बैन लग गया है, यह बालू जो है सरकार का हो गया है, ये सारे जो बालू हैं सरकार का, इसमें कोई भी आदमी का इसमें हिस्सेदारी नहीं होता है। और कोई बालू ले जाते समय पकड़ा जाते हैं, देख सकते हैं इसमें बालू, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, ये बालू है। ठीक है, माटी नहीं है फ्रेंड्स, और इसमें पानी जो है ऊपर से गिरता है, तो आपको मैं दिखाऊंगा, ले चलता हूँ आपको दिखाने। ठीक है फ्रेंड्स, और देख सकते हैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, और ऊपर से कट मशीन भी होता है, और देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा झंझट की तरह गिर रहा है। बहुत सारे बच्चे इसमें आते हैं स्नान करने, आपको तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। और इसमें इस जो नदी है, इसमें एक बच्चे की मौत भी हो गई है, एक नहीं कितने सारे बच्चे की मौत हो गई है, ऐसी बात नहीं है। क्यों हो गई है? ये जो है बहुत ही खाल है, बहुत ही खाल है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा खाल है, थोड़ा सा खाल नहीं है ये, बहुत ही ज़्यादा खाल है। और पास में तो थोड़ा सा खाल है, लेकिन जब दूर में जाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा खाल है। तो बच्चा जो है इस नदी में डूब गया था वहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, उधर डूबा था, उधर
वहाँ पर आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ, उधर की तरफ डूबा था जहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ, उधर की तरफ वो डूबा था, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये जो पुल है बहुत ही पुराना है, देखने में आपको लगता होगा कि बहुत ही पुराना है, और इसका डिजाइन जो है, इसके डिजाइन जो है बहुत ही मस्त है, और इस पर गाड़ी आता है जाता है लेकिन ये हिलता है लेकिन टूटता नहीं है, ये बात है इस पर। और ये जो नदी है ठीक है, इसको ब्रिटिश रूल में बनाया गया था, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रिटिश रूल में बनाया गया था, बहुत ही पुराना है, 200-400 साल पुराना है, अभी तक खोज हो रही है कि कब बना था, अभी मिला नहीं है कि कब बना था। और देख सकते हैं यहाँ पर सारे दिखाए जा रहे हैं, वृक्ष कितने हैं, वृक्ष देख कर तो मज़ा ही आ जाता है। और बगल में मोठ है, ठीक है, छावा दानों का एक मोठ है, ठीक है, मोठ है। तो मैं इस वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे बाहर रहते हैं और वो यहीं के हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना किसी व्यक्ति से मिलाकर आपको बता दिया जाए इस नदी का विशेषता। तो एक जो लड़के हैं वह मुझे मिले हैं, उनसे मैं पूछता हूँ इस नदी के बारे में, ठीक है। तो चलिए वहाँ पर हैं, देख सकते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ इस नदी के बारे में, चलते हैं पूछने। इधर आइए तो आप, थोड़ा इधर आइए तो, ऐसी दिया इधर आइए। आपका घर कहाँ हुआ? जी हमारा घर तो इसी शहर में। तो इस नदी के बारे में आप जानते हैं? जी हाँ जी, बहुत जानता हूँ। जैसे कि आप जान देख सकते हैं इस नदी को, बहुत ही इसकी तेज़ गति को देख सकते हैं, जैसे कितनी तेज़ से बढ़ी है। वैसे भी ज़्यादा बरसात की मौसम ना होते हुए भी इतनी तेज़ की गति से, और इतना खाल, इतना गहरा पानी है इस नदी में कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम आपको बताते हैं, यहाँ पर इधर थोड़ा इधर दिखाइएगा, यहाँ पर वो जो पुल है ना, वहाँ से उससे भी थोड़ा, उस पुल से एक बच्चा वहाँ से कूद के, मतलब जैसे होता है ना बच्चे सब की अंदर की जो बोलते हैं कि मतलब वहाँ से मैं कूद के यहाँ पे मतलब इसमें नहाऊंगा, तो उसी की वजह से एक बच्चे ने वहाँ से मतलब कूदा, और जैसे ही कूदा पानी वहाँ का जो था बहुत ही गहरा था जी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जी जी, और गहरा था, इसके कारण वो नीचे डूब गया और वो उसकी मौत हो गई, मौत हो गई। गाइस हम आपको बता सकते हैं कि मतलब ये बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही पुराना पुल और नदी है। सो कृपया करके यहाँ सावधानी बरतें अपने आप को। जी धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं इनसे मैंने बात किया तो इन्होंने बताया, ठीक है, धन्यवाद आपका। तो इन्होंने बताया कि इस नदी में बहुत ही बच्चे डूब गए हैं, ठीक है, एक बच्चे डूबे हैं, लेकिन मैं भी एक बच्चे के बारे में जानता हूँ जो आए हुए थे मूर्ति डुबाने, ठीक है, वो डूब गए थे। और इसमें प्रतिदिन एक ना एक लाश इसमें दहाती मिलती है, कभी गाय तो कभी सुअर, मतलब भोजपुरी में लेती है, और कभी गाय कभी बकरी, मतलब बहुत सारे, कभी मानव कभी दानव, और कभी कभी बूढ़े, मतलब बहुत प्रकार के इसमें मुर्दे मिलते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं, चलिए ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको और कुछ, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें बालू है देख सकते हैं, और यहीं पर जो मनुष्य हैं छठ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो मनुष्य छठ काटते हैं, ये तो अच्छी वाली बात है। सब सारे के सारे बालू हैं, देख सकते हैं बालू है, इससे आप घर भी बना सकते हैं, घर बन सकता है बहुत ही अच्छा, लेकिन टिकाऊ नहीं बनेगा। मुझे तो लगता है इसी बालू से बहुत सारे ठेकेदार घर बना, देख सकते हैं ये सीढ़ी जो है ब्रिटिश के ज़माने की सीढ़ी है, ये जो है ब्रिटिश के ज़माने का है, ठीक है, ये सीढ़ी देख सकते हैं कितना डेंजरस है, कितना डेंजरस है, इसी सीढ़ी से सांप खा रहा है, सांप सीढ़ी खा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कितने पेड़ पौधे हैं, पुदीना जमे हुई हैं, बहुत सारी जगह पर देख सकते हैं वहाँ पर ईंटा बिछाया हुआ है, सारे के सारे ब्रिटिश के ज़माने बने हुए हैं, पहले बनाया गया था इसको। और आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ ऊपर से, फ्रेंड्स एक देख सकते हैं इसमें कैचअप होती है पानी, ठीक है, और यही पानी जो है ये जो है टीयर है, ठीक है, इसको बोला जाता है नहर,
ठीक है, इसको नहर बोला जाता है, नहर के पानी देता है, ठीक है। और नदी का पानी कहाँ पर जाता है, नदी का पानी एक दूसरा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। नदी का पानी आप देख सकते हैं नीचे में है, जा रहा है, देख सकते हैं राइट। मैं दिखाता हूँ और दिखाऊंगा आगे से, मैं ऊपर आया हुआ हूँ, यह जो नदी है बना हुआ है, बहुत ही पुराना नदी है, पुल है यह एक, देख सकते हैं ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, पानी जा रहा है, चलते हैं देखते हैं। पास में गाड़ी आ रहा है, गाड़ी जा रहा है, थोड़ा साउंड होता है, तो आपको मैं एक दिखाऊंगा सामान, जो देखा आप नर्वस हो जाइएगा, आप देखे होंगे तो ठीक है। यहाँ से पानी जा रहा है, कितना रफ्तार में जा रहा है फ्रेंड्स, अगर मैं मोबाइल गिर गया तो मोबाइल जो है इसमें चला जाएगा, इससे पानी गिर रहा है, ठीक है। हाँ, ये बुलाकर मुझे लाए हैं दिखाने के लिए, यहीं से सुना चाहा जाता है, ठीक है, यहीं से वो बच्चा कूद के मरा था नीचे। हाँ, देख सकते हैं पानी कितना रफ्तार में जा रहा है, अगर एक भी कुछ भी गिरा लग रहा है पानी खोल रहा है, लेकिन अगर कुछ भी गिरा एक भी तो जाएगा काम से, मर ही जाएगा इसमें। कितना बड़ा नदी है देख सकते हैं, कितना दूर गया है, मुझे इस सारे के सारे नदी हैं, जब भर जाते हैं पूरा जगह पानी आ जाते हैं, दिखा रहा हूँ आपको, दो ठो ऐसा है, और जंगल देख सकते हैं कितना जंगल है, हरियाली हरियाली है आसपास में, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पानी पानी रहता है। वहाँ पर देख सकते हैं एक पौधा जमा हुआ है पानी के अंदर ही, पौधा नहीं है मूझ है, उसे मूझ बोला जाता है, ठीक है। एक और है यहाँ पर, यह भी पानी के पास कराता है, देख सकते हैं, यह भी पानी के पास कराता है, कितना फास्ट, और आवाज हो रही है यहाँ पर, तो फ्रेंड्स तुम आ चुके हैं इस तरफ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव, तो मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, कितना हरियाली गाछी है यहाँ पर, बहुत सारे गाछी हैं यहाँ पर, ठीक है, वृक्ष हैं, वृक्ष बोला जाता है, वृक्ष हैं यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े हैं, अभी ही लगे हैं, अभी इतने बड़े हो गए, और यहाँ पर देख सकते हैं मुझे, मैं आपको बोल रहा था ना उस वीडियो में कि यहाँ पर योगा हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, बड़े बड़े नहीं आए हुए हैं, घर में कोई काम होगा, लेकिन उन लोगों का अभी टाइम नहीं है, सुबह में आए हुए हैं, ठीक है, बहुत जल्दी आए हुए हैं वीडियो बनाने, और देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हरियाली है, और यहाँ पर स्लोपिंग है, कोई आदमी चाहता है पिछलने के लिए तो आए एक बार छावादानों में, और यहाँ पर पिछलें, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं देनी पड़ती है, ठीक है, एकदम फ्री, नो कॉस्ट, और मैं आपको दिखा रहा हूँ ना यहाँ पर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कितने बड़ा वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है, ये जो जगह है आपको छावादानों में है स्थित है, कोशिश से बोलिएगा तियर नदी, कोई भी आपको बता देगा एड्रेस, आप आकर एक बार इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर, मैं भी एक बार इंजॉय ही करने आया हूँ, मैं कुछ करने आया नहीं हूँ, मैं सोचा कि आया हूँ तक वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, तो वीडियो बना रहा हूँ। ये जो है ये बना हुआ बहुत ही पुराना मॉडल है, बहुत ही पहले का है, देख सकते हैं यहाँ पर वृक्ष जो है, वृक्ष तो अभी लगा है,
कितना हरियाली है, वृक्ष तो वृक्ष ही है, जामुन का पौधा है, और यहाँ पर देख सकते हैं खजाना ही है, खजाना है यहाँ पर वृक्ष का, है कि नहीं फ्रेंड्स? नो डाउट, नो क्लिक पैड, ओनली सी है, देख सकते हैं अभी आए हुए हैं हम लोग मोठ में। वहाँ पर पौधा है बहुत सारे का, बहुत सारे यहाँ पर पूजा की जाती है, मंदिर है, मैं गौर लग लेता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर है, ठीक है, कटहल वहाँ पर पड़ा हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ वृक्ष लगाइए, जीवन बचाइए। देख सकते हैं कितना बड़ा फल लगा हुआ है, ठीक है। और इसी वृक्ष को बहुत सारे व्यक्ति काट देते हैं, काटने से किसको लॉस होता है? सबको लॉस होता है। कितना बड़ा फूल है, आम का पौधा है, कितना मोटा है, बहुत ही ज़्यादा मोटा है ना फ्रेंड्स? तो मैं आपको इसी वीडियो के जरिए जिस तरह आज इसको बना रहा हूँ उस तरह फिर बनाऊँगा, वो अंग्रेज़ों का सामान दिखाऊँगा, तोप दिखाऊँगा, हाबी जाबी बहुत सारे हैं, बांस के पौधे हैं, यहाँ पर बांस के पौधे हैं, ठीक है। यहाँ पर आम के पौधे हैं, ठीक है। अभी बाइक जा रही है इसीलिए साउंड हो रहा है, यहाँ पर मीटिंग होता है और एक मित्र मिले हैं मेरा, उनसे मैं पूछ रहा हूँ ये वृक्ष कब लगा हुआ है। आप जान नहीं सकते हैं कि ये वृक्ष कब लगा है, क्योंकि ये वृक्ष बहुत हजारों साल पहले लगी थी, और इनकी हम अगर रूट को देखा जाए यानी कि शोर को, तो ये बहुत ही ज़्यादा गहराई में है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वृक्ष जब ब्रिटिश हमारे देशों पे रूल का मतलब कि क्या वो मतलब कि हम लोग इंडिया को गुलाम बना दिए थे और राज कर रहे थे, तो हाँ तो उसी समय का वृक्ष है, क्योंकि ब्रिटिश लोग उतने भी ख़राब थे लेकिन पर्यावरण के लिए हर चीज़ की सुविधा दी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अनेक प्रकार की पेड़ है, जैसे कि ये है आम की, आप देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा आम की वृक्ष है, और लीची भी है, कटहल भी है, और वो है जी लीची तो है और बांस वहाँ पर है, ठीक है, बांस। और यहाँ पे मंदिर भी है, थोड़ी दूर पे नहीं थोड़ी कदम आगे पे, और मंदिर बहुत पहले से है। ये मंदिर ब्रिटिश के ज़माने के नहीं है, लेकिन उससे मतलब कि मंदिर उस बहुत पहले साल की है, मतलब वो लोग जाने के बाद बनी हुई है। जी हाँ जी, हम लोग बनवाए हुए हैं, यानी ब्रिटिश नहीं बनवाया है, हम लोग भारतीय परिवार बनाया है। और उधर तो अभी भी वृक्ष लगा है, लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि ये जो सारे वृक्ष हैं मोटे मोटे, ये बहुत पहले वृक्ष लगा हुआ है, ठीक है। देख हाँ ये बात तो सही है, देख सकते हैं बहुत ही मोटा मोटा है, वो भी देख सकते हैं बहुत ही घना है, ठीक है फ्रेंड, घना घना है। तो फ्रेंड्स ये भी देख लीजिए आप, हरियाली ही हरियाली है यहाँ पर, ठीक है। और मौसम बहुत ही सुहाना है, मौसम इतना सुहाना है कि अब बोला नहीं जा सकता है, पौधा ही पौधा हरियाली ही हरियाली। अब कोई फ़ोटो का शौकीन है तो यहाँ से फ़ोटो ले सकता है अपना आकर, ठीक है, फ़ोटो अपना आकर ले सकता है।
और ये पुराना हो चुका है तो टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर खाल भी है, यहाँ पर खाल है, वहाँ पर ऊँच है, पौधा है, ये जो है ना मोट का ज़मीन है मोट, और ये जो है सारे नदी, ठीक है, बहुत ही बड़ा देख सकते हैं। वहाँ पर योगा कर रहे हैं बच्चे, योगा कर रहे हैं, शाम का टाइम हो गया है तो बच्चे आ गए हैं योगा करने। क्यों योगा किया जाता है आप तो जानते ही हैं, यू नो राइट क्यों, तो सारे बच्चे करते हैं, देख सकते हैं दौड़ रहे हैं बच्चे वहाँ पर, वहाँ पर इसलिए दौड़ रहे हैं, वहाँ पर मीटिंग भी हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा है, और यहाँ पर आदमी का चीता भी फूका जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, आदमी का चीता भी फूका जाता है, ठीक है। और अब नुआइज हो रहा है, मैं फिर एक बार उस नदी पर आया हूँ, ठीक है, आज बहुत ज़्यादा इसमें पानी आ चुका है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा नदी है, ठीक है, तो उस समय इसमें पानी नहीं था, आज देखिए इसमें कितना पानी हो चुका है और वहाँ से पानी निकल रहा है, वो डैम है वहाँ पर, दो ठो डैम है वहाँ पर देख सकते हैं, दो ठो डैम उसमें से पानी निकल रहा है, ये जो है कितना बड़ा हो चुका है, ठीक है, देख सकते हैं कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, पानी से भर चुका है, देख सकते हैं पुल जो है बहुत ही बड़ा है, और नीचे से पानी आ रहा है, और इसको देखने में बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है, और इसमें अगर आदमी डूबेगा तो कहाँ जाएगा मालूम नहीं चल पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं बहुत ही डेंजरस दृश्य हो गया है, लेकिन पानी भी हम लोग के लिए ज़रूरत है, लेकिन इस पानी से बहुत सारे घर दहा गए हैं, गरीब गरीब आदमी होते हैं, गांव के हैं होते हैं, उन लोगों का घर दहा गए हैं, प्रॉब्लम तो होगी लेकिन पानी भी ज़रूरत था, पानी आ गया, बारिश हुआ है इसी कारण, तो आज अब लाइव देख रहे हैं कि कितना पानी आ चुका है इस पुल में। फिर देखिए यहाँ पर, यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को कैप्चर कर कर, ठीक है, बहुत बड़ा है, और उधर का अभी तो लिया ही नहीं मैं फोटो, बहुत ही मस्त है फ्रेंड्स, देख सकते हैं अमरूद है, बहुत ही अच्छा अमरूद है, इसमें फल भी लग चुके हैं, बहुत ही बेस्ट अमरूद है, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं देखे होंगे पढ़ते हुए अमरूद, देख सकते हैं बहुत ही छोटा अमरूद का पौधा है और इसमें फल लगा हुआ है, अमरूद का फल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है ना फ्रेंड्स, तो वही मैं बता रहा हूँ कि आप पौधे लगाएं, पौधे लगाइएगा तो आपका जीवन सुखमय होगा, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, और आपको पसंद आया होगा वीडियो तभी लग करिए, और पसंद नहीं आया होगा तो लाइक नहीं कीजिए और अनलाइक भी मत कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो इसी वीडियो के से मैं अपने अलविदा बोलता हूँ, सिर्फ अभी के लिए जय हिंद जय भारत। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने घर के आसपास के बहुत सारे स्थानों का वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो में ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, और इस वीडियो को बनाने के बाद चलिए एक और वीडियो मैं बना देता हूँ जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अर्निंग वाला ऐप, देख सकते हैं इसमें भी वैसे ही प्रोसेस है, ठीक है, वैसे ही मिलती है मनी रेफरल करने पर, और जितने रुपए लगाइए उतना रुपए में अर्निंग कर सकते हैं, इससे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, और मैंने इसे विड्रॉल मार रहा है, आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ, यहाँ पर लेन देन देख सकते हैं, यहाँ पर 8 रुपये मैंने अपने अकाउंट पे मारा है, और मैंने अपने अकाउंट पे पा भी लिया है, इसे चेक नहीं है, और सेकंड बार में मैं अपने अकाउंट में 30 रुपये मार सकता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर निकाले पकड़ की देख सकते हैं, जिया इसमें 60 रुपये, यानी अब दो बार में 60 रुपये कर दिया है, एक बार में 1 रुपया, दो बार में आपके लिए, दो बार आप मानने जाइए तब आपको 60 रुपये पे करना होगा, ठीक है, तो मैंने बता दिया इसके बारे में, ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही अच्छा खबर सुनाने वाला हूँ इसमें Mall91 के बारे में, तो Mall91 यहाँ पर ऐप है, ठीक है, और इसमें बहुत बड़ा धमाका चल रहा है अभी, क्या धमाका चल रहा है, तो फ्रेंड्स इसमें जो गेम है ना, आप गेम खेलकर यहाँ पर देख सकते हैं गेम 91,
आपको मैं अभी बता ही देता हूँ, यहाँ पर गेम है, कोई भी गेम खेलकर आप, ठीक है फ्रेंड्स, 1 आवर है, लेकिन आप कोई भी गेम खेलकर आप एस वॉलेट अर्न कर सकते हैं, ठीक है, और एस वॉलेट अर्निंग कर आप फ्री में शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको शॉपिंग करता हुआ दिखाऊंगा, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम मिनिमम 60 रुपये स्कोर होना चाहिए, एक बार में नहीं, कितना बार में फुगा लीजिए आप, एक बार कोई ये नहीं है कि नहीं एक ही बार में फूकना चाहिए, ऐसे बात नहीं है, इसमें 60 बार से ऊपर ज़्यादा फूकना चाहिए, 60 बार खेलते हैं तो 60 कोई बात नहीं है यार फ्रेंड्स, आप कितने बार में फूका दीजिए, आप चाहिए तो 500 बार में फूका सकते हैं, आपकी इच्छा है। इसमें 10,000 बार खेलने के लिए आपको बताई जाती है कि आप 10,000 बार खेल सकते हैं, ठीक है, आपका स्कोर जो है 20 से नीचे होनी चाहिए, 20 से नीचे होगी तो आपको कितना मिलेगी, अब फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे, आपको मिलेंगी 40 जेम्स, कितना मिलेंगी 40 जेम्स, अगर आप एस वॉलेट मिलेंगी और 20 से ऊपर होगी तो आपको 20 एस वॉलेट मिलेगी। देख सकते हैं मैंने 61 फुका दिया एक ही बार में, चाहे कितने बार में फुकाई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मैं फुका रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही मज़ा आ रहा है किसको फुकाने में, और एक बार ही खेल कर अपना स्कोर जाकर सबमिट ना करें, कम से कम 10 बार खेलें, पहले सॉरी 3 बार खेल लें, देख सकते हैं 7 स्कोर है मेरे यहाँ पर, और शेयर पर क्लिक कीजिएगा तो एम पॉइंट मिलेगा, देख सकते हैं 200 एम पॉइंट मिला है, ऐसे ही आप गेम खेलकर शॉपिंग कर सकते हैं फ्री में। चलिए दिखाता हूँ कैसे, यहाँ पर क्लिक कीजिए और वॉलेट में मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं मेरा शॉपिंग वॉलेट 320 है, ठीक है 320, तो चलिए मैं मॉल लोकल मॉल पर मैं क्लिक करता हूँ, लोकल मॉल पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने सामान है, बाद में जितने सारे सामान हैं 300 के नीचे हैं तो जो है मुझे 0 रुपये कोई भी मनी नहीं देनी पड़ेगी लोगों को, ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया, कुछ ऐसा सामान है जिसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, उसका जब प्राइस इसमें थोड़ा ज़्यादा रह रहा है फ्रेंड्स, ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सब बहुत सस्ता पड़ रहे हैं, ये सब 0 चार्ज लेगी और मुझे दे देगी, कोई भी एक भी चार्ज नहीं देनी होगी मुझे। तो मैंने एक सामान मंगाया था जूता, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्लिक किया मेरा ऑर्डर, 1 भी रुपया मैंने नहीं दिया था, मेरे पास था आपको 1200 करीब में था, ठीक है, ये दोनों जूता मैंने मंगाया RS0, मैंने 1 भी रुपया नहीं दिया इसे, मैं घर पर ला कर देख सकते हैं आपका सामान कैसा है बताइए, मिला है तब ना पूछ रहा है मुझसे, मिल गया है मुझे, ठीक है ये मिल गया है, और रिटर्न पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर वापसी ऑर्डर करें, आप अगर आप चाहिएगा रॉन्ग आइटम साइज और रॉन्ग प्रोडक्ट शिफ्ट नो लॉन्गर नीडेड आइटम डिफेक्टर डोज नॉट वर्क आइटम एरिव टू लेट, यहाँ पर आप कर इसको रिफंड कर सकते हैं, ठीक है रिफंड, यह तो फ्लिपकार्ट जैसा सिस्टम दे दिया है, बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, 10 तारीख तक मुझे देगी, आज कितना तारीख हो गया, 4 यानी 6 दिन तक आपको दे रही है कि वापस कर लूँगा मैं, तो बहुत ही मज़ेदार वाली बात है, वो नहीं वही ना मज़ेदार वाली बात, तो
मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सामान और, इसमें आप देखिए जो जूता है, ठीक है, ये वाला जूता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। इस जूता का मैं अगर ऑर्डर मारता हूँ इस जूता को, ठीक है, तो ये जूता मेरे घर पे ला कर दे दी जाएगी, और इसका 500 इतना रुपये दाम है उसमें से लेस कर दी गए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा एस वॉलेट नहीं है, ज़्यादा रहता तो कम कर दी जाती, और थोड़ा इसमें महंगा मिल रही है, ठीक है, सामान जो है महंगा महंगा मिल रहा है, लेकिन ये सामान जो है, ये जो है, इसका दाम सच में 500 से ज़्यादा है, 600 दिखा रहा है लेकिन थोड़ा झूठा है, 550-60 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ऐसे ही इसमें अर्निंग कर सकते हैं, अगर आप इसको रेफरल करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ पूछ रहा है ये हावी जाबी, तो इससे आप रेफरल कर कर भी कमा सकते हैं, ठीक है, एक दो रुपये देगा आपको, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और ऐसे ही मिल जाए, चलिए ठीक है। तो और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को दो ठो ऐप के बारे में बताया गया है, अब मॉल लाइट वन के बारे में मैं तो इसी तरह बता दिया हूँ, ठीक है, कि आप जाकर मौका का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए एक और ऐप के बारे में बताता हूँ, MX Player, ठीक है, तो आप लोगों को इसे डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। चलिए आपको दिखा देता हूँ प्ले स्टोर में, यहाँ पर क्लिक कीजिए MX, देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है, तो मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड कर लिया है, आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने ओपन पर जैसे ही क्लिक किया तो ये मेरा नंबर पहले से पूछ लिया है, ठीक है, आप लोगों को अपना नंबर देना हो, ठीक फ्रेंड्स, तो आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए और लॉगिन कर लीजिए, और यहाँ पर देखिए क्या क्या पा रहा है कि जेम से इतना कुछ ऑफ मिल, MX गोल्ड एड फ्री व्यू और 3 डेज, सब मिल रही हैं, और इसमें बहुत सारे फ्री गेम हैं, आपको एक भी चार्ज नहीं देनी पड़ेगी, सारे के सारे फ्री वाले गेम हैं। चलिए को फ्री खेल कर दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर 5 रुपये मैंने अर्निंग किया है, आज ही डाउनलोड किया है मैंने, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ मैंने अर्निंग किया है यहाँ पर, ठीक है, 20 रुपये मिनिमम विड्रॉल है, यहाँ पर देख सकते हैं कैश आउट मिनिमम बीट लिमिट 20 रुपया है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कौन सा गेम खेलूँ, चलिए शुरू से खेलता हूँ, यह वाला खेलता हूँ, ऐड आती है, और जो ऐप है ना फ्रेंड, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, इसी वीडियो में देख सकते हैं सच है ये, इसका एड्स एक आई है, स्नैक्स एंड लीडर्स प्लस, जीत के खेल शुरू करो, कंटिन्यू, अभी थोड़ा टाइम लगी है, मुझे समझ में नहीं है, पूजा टू फिनिश द मैच, वेटिंग फ्रॉम पूजा, पूजा एक लड़की थी वो भी खेली है और मैं भी खेला हूँ, मैं हार गया वो लड़की जीत गई, ठीक है, एक बार तो मुझे खेलना ही होगा, लेकिन ये टेंशन वाली बात नहीं है कि
बहुत सारे गेम हैं इसमें, बहुत ही मस्त गेम है। वीडियो नहीं कटती है, एड्स जो है चलते रहती है। सर्च कर रहे हैं आप, आउट। यह मुझसे नहीं होगी फ्रेंड्स, मैं टाइम पास करने वाला नहीं हूँ, इसे काटता हूँ और फिर मैं दूसरा गेम इसी में जाकर खेलता हूँ। एमएक्स प्लेयर यहाँ पर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे गेम हैं जिसे आप खेल सकते हैं, देख सकते हैं। या इसको मैं खेलूँगा, वो जो गेम है मेरे पास की बात नहीं थी इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। और ये जो गेम का प्राइज है बहुत धमकदार है, आपको दिखाता हूँ मैं। आवाज़ सेलेक्ट कर दीजिए, देख सकते हैं 4 स्कोर बन गया। अभी तो मैं आपको खेल कर दिखाऊंगा ना, इसीलिए मेरा जो है नहीं हो पाएगी। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ बेंगलोर, तो आप ऐसे ही खेल सकते हैं इससे। ठीक है, देख सकते हैं मैंने 6 मारा, 2 मारा, 2। बहुत ही मजा आ रहा है गेम खेलने में। ये आउट हो गया मैं, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। आप वैसे ही इसमें अर्निंग कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। इसमें यह भी अलग गेम है, इसे आप खेल सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगी आपको। 1 से लेकर 225 तक रैंक वालों को मिलेंगे 1 रुपया, ठीक है। 1 रैंक को मिलेंगे 4 रुपया, 2 रैंक को मिलेंगे 3 रुपया, 3 से 4 रैंक के मिलेंगे 2 रुपया, और 5 से लेकर 200 इतना रैंक तक मिलेंगे इतना। फ्रेंड्स बहुत ही मजेदार गेम है ये, आप लोग डाउनलोड कीजिए और खेलिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। एंड यानी ख़त्म होने में आपको इसका टाइम लगेगी 4 घंटा 45 मिनट, तो टाइम तो लगती है। बहुत सारे गेम हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने विड्रॉल मार लिया, आपको दिखाऊंगा ये अभी अभी फेक सब, मैंने ये सब मैंने नहीं सीखा है, ठीक है। ठीक है, इसमें टाइम लगती है। और चलिए इसे मैं डाउनलोड कर, इसे मैं प्ले करता हूँ। देख सकते हैं गेम जॉब के द्वारा पावर्ड बाय जी गेम जॉब, गेम जॉब के द्वारा खिलाई जा रही है। चालू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, और जैसे ही चालू होगा वैसे ही प्ले कराने लगेगा ये। बहुत ही जल्दी चालू होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स, इंतज़ार कीजिए आप। और एक और गेमिंग ऐप के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा।
ठीक है, पहले इसे चालू हो जाने दीजिए। ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी होने वाली है, लंबी नहीं होगी तो वीडियो लंबी नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमको भी, ठीक है, इसलिए थोड़ा लंबी बनता है। आवाज़ तो करेगा ना, और मैंने गलती से मेरा जो बटन तरह काम करना छोड़ दिया है। देख ठीक है भाई, देखिए मैं बहुत ही अच्छा स्कोर बना दूंगा। टाइम लगती है थोड़ा सा, टाइम लगे ओपन होने में। हो रही है ओपन, जैसे ही ओपन होगी वैसे मैं खेलूँगा। ठीक है, और मेरा स्कोर 94 है, थोड़ा सा और मेहनत कर रहा हूँ मैं। थोड़ा टाइम लगती है खोलने में, पत्थर में चोट नहीं लगना चाहिए फ्रेंड्स। मेहनत करूंगा मैं, सफलता जरूर मिलेगी। मैंने पहले ही बोला था कि अभी बार जो स्कोर है बहुत ही अच्छी होने वाली है, देखते हैं तक सकते हैं। 135 हो गई है, और जो एड्स है, एड्स मुझे पसंद नहीं पड़ती है। आप एड्स ले लीजिएगा तो ये जो अंक है शायद हो सकती है कि काउंट हो जाए उसमें। तो टाइम लगती है, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर ले लेता उसको तो बहुत मज़ा आता। थोड़ा सा टाइम लग रही है लेकिन हो जाएगी। थोड़ी सी टाइम लग रही है, बहुत ही जल्दी प्रयास कर रहा हूँ कि हो जाए। थोड़ा सा अभी थोड़ा सा हाथ बैठने में टाइम लगेगी आप लोगों को, जिससे मेरे लग रहा है। तो वैसे ही होती है जैसे खान और पान, तो थोड़े से प्रयास करने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम प्रयास कर रहा है, प्रयास कीजिए ना। ये क्या हो गया? ओ नो, ये क्या हो गया फ्रेंड्स? उम्मीद नहीं थी आप लोगों से।
चलिए और प्रयास करते हैं, अब क्या होगा। ओ सेट, उस पर कुदरते तो हो जाता ना। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगती है। कितना फल थी और सेड, कितनी लालच लग रही है। फल यूटो का फर्स्ट पेमेंट आएगी तो मैं आप सभी की एक फ्रूट खरीदूंगा। फ्रूट का नाम रखेंगे एमिया, एमिया रखेंगे उसका नाम। अब 1 रुपये जीती नहीं पाया, 3 रुपये दिखा रहा फ्रेंड्स, क्यों दिखा रहा है, कह रहा है कितना स्कोर पुका दीजिए 3 रुपये ले लीजिए। और थोड़ा हार्ड है ये खेलने में, हार्ड है फ्री में पैसे मनी दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक बड़ा बात बोलता हूँ आप लोगों को, 191 आप लोग जाए ठीक है और डाउनलोड कर लीजिए, इसमें पिंजरे में बंद हो गया। मनी 91 में जाएं, अपना कीमती समय बर्बाद कीजिए, आपको सक्सेसफुल आदमी बन जाओगे आप। पर मंथ 700-800 और ये आप टाइम जितना इसमें सस्पेंड करोगे ठीक है, आपको उतने ही बेनिफिट होगी। या ये बहुत मस्त फल थी, खाता तो मैं मोटा हो जाता फ्रेंड। और प्रयास करते हैं, उस पर से गेम छोड़ देंगे, दूसरा गेम खेलने चलेंगे। तो बहुत सारे भाई हैं जिन्हें ये गेम खेलना आता होगा ठीक है, लेकिन बहुत कोई को नहीं आता है, तो मैं उन लोगों को राय देना चाहूँगा। अभी तो स्कोर जो है मेरा काफ़ी अच्छा बना हुआ है, चलिए एक ऐड ले लेता हूँ। फ्रेंड्स चलिए और प्रयास कर लेते हैं, कुछ मुझे दिखाई दिया है बेनिफिट, तो शायद अगले बार काम दे दे, कर दे देगा तो मैं आप लोग बताऊंगा। चलिए इस ऐप को मैं बंद करता हूँ ठीक है। ओ सेड, उसका टाइम ओवर होने वाला था सर, चलते हैं देखने कितना टाइम था उसका। देख सकते हैं ये जो
गेम है ओपन हो रहा है। ये आदमी कहाँ से मिल गया मुझे, कहाँ से आते हैं ये लोग, थोड़ा सा टाइम है, ये 12 मिनट टाइम है, 12 मिनट। बस टाइम लगेगी, ठीक है। बस टाइम लगेगी। और देखिए इससे मैं ये सीख देना चाहता हूँ कि देखिए जहाँ पर थोड़ा सा फ्रूट दिखाई दे ना वहाँ पर मत जाइए, थोड़ा सा जहाँ पर थोड़ा सा पैसा मिले वहाँ पर मत जाइए। इसी से यह शिक्षा मिलती है, देख सकते हैं जहाँ पर थोड़ा सा मिल रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा हो रही है। जहाँ पर देखिएगा अभी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एंड अभी मैं दिखाऊंगा आपको, वाओ देखेंगे नहीं अभी, हम एक एग्जांपल मिल गई होंगे, थोड़ा सा था तो मैंने ही किया, जहाँ ज़्यादा था वहाँ पर गया तो थोड़ा ज़्यादा बन गया, इस पर बना ना, तो यही मैं इससे देने वाला हूँ इसमें, और कुछ नहीं। क्लिक कीजिए इस पर, ओपन हो गया, और इस यहाँ पर मैं सोचा कि उड़ जाएगा, उड़ेगा थोड़े ही, नहीं उड़ता है ये, लेकिन फ्रेंड्स उस समय 5 उगा देता तो मुझे मिलने के लिए तैयार था, और बोल रहा है नहीं उतना से काम नहीं चलेगा, 92 उगाना होगा। चले हटाइए अब ये गेम खत्म, और मैं करता हूँ एक एड्स देखकर ये जो वीडियो है ख़त्म करने वाला हूँ। 3 सेकंड का है, 3 सेकंड का, देखिए गूगल पे है, गूगल पे का वीडियो मैंने बना ही दिया है आपके लिए पहले से ही, ठीक है। तो उसमें कुछ समझ में आप लोगों को नहीं आया होगा, इसलिए नहीं आया होगा कि थे हैं ही नहीं, ठीक है। चलिए इस पर क्लिक करके इस पर कट करता हूँ, और यहाँ पर बहुत भाई साहब बहुत सारे गेम हैं आप खेल सकते हैं, मुझे इसमें टैलेंट नहीं है सब गेम में, ठीक है। जिसमें टैलेंट था उस ऑनलाइन टीम में मुझे बहुत टैलेंट है, स्नैक वाला में टैलेंट है, एक ये बाइक वाला खेल कर दिखाता हूँ, बाइक वाला भाई साहब गजब का खेल है ये। यहाँ पर मैं क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया ना, इसे डीवा को लेना है, देखिए यहाँ पर एड्स दे दी है, इस एड्स को काट दीजिए, देख सकते हैं 1 रुपया मुझे बोल रहा है कि हम देंगे, और कितना घंटा ये टाइम है, 8 घंटा,
आठ घंटे के बाद, तो क्या हो जाए कोई कुछ नहीं जानता है, और मुझे इस चक्कर में पड़ना भी नहीं है। अभी मैंने आपको जितना ऐप बताया सारे से बढ़िया ऐप आपको मिलेंगे ऑनलाइन टू ऑन, लेकिन ये भी अच्छा है। आप लोग अपना जाने, आप काम जाने, ठीक है, चलिए कट कीजिए इसको। तो उस वीडियो में मैं बताया हूँ, इस वीडियो में मैंने सिखाया, ठीक है, और थर्ड नंबर मैं सिखाऊंगा सोनी लाइव से कैसे अर्निंग करें। तो यहाँ पर चलिए क्लिक कीजिए सोनी, लाइव जिसे मैं पहले से ही डाउनलोड कर लिया हूँ। आप लोगों को डाउनलोड करना होगा, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ओपन पर। ये जो ऐप है ओपन होने वाली है, ओपन हो गई। ये झूठ मूठ के कुछ देता है, चलिए इसके जगह मत बोलिए, ठीक है। यहाँ पर दी हुई है स्क्रैच विन, स्क्रैच कीजिए जीतिए। चलिए मैं स्क्रैच कर ही लेता हूँ। आपका मोबाइल कुछ भी नहीं मांगता है, आपका मोबाइल नंबर मांगता है, आप मेल है या फीमेल, और आपका डेट ऑफ बर्थ मांगता है, बस कुछ नहीं मांगता है फ्रेंड्स, झूठ मूठ की बात। बोलने से फायदा है नहीं है, नहीं ना है। और क्लाइम पर नाउ पर क्लिक कीजिए। तो क्या कर रहा है, एक ऐड दिखाता है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, कट हो जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, हफ्ता वजन यहाँ पर खा रहे हैं, पहले नाउ ये कुछ बोलते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं जाइएगा तो कुछ नहीं होगा, ये काम ही ऐसा है। बोटल सूट पर मैंने क्लिक किया है, बोटल सूट उस पर मैंने क्लिक किया है, देख सकते हैं। यू हैव यूज्ड 2 GB डाटा, वाह, ये जो गेम है ना बहुत GB डाटा खाता है। ये जो मैंने यूज़ किया है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इस ऐप को मैंने डाउनलोड किया तो अभी तक मैंने 1 रुपया भी विन नहीं किया। आप लोग कैसे विन कीजिएगा आप जानिए। जिससे मैंने विन किया है अपने अकाउंट पे भेजा है, इसके बारे में मैंने बता ही दिया, लेकिन MX प्लेयर जो है वो रुपया देता है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। टैप टू स्टार्ट पूछता है, पूछ रहा है इफ वी लैंड एट सरदार वल्लभ भाई पटेल विच सिटी वुड हैव द लैंड इन। गलत, बस एक और पूछेगी, ठीक है। मैंने पढ़ कर जवाब नहीं दिया इसका, वरना मैंने तो इसको वॉट लगा दे दी, ठीक है। तो आपको खिलाने से पहले पूछता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो भाई कटो, क्लाइम नाउ, यहाँ पर क्लिक कीजिए, एड्स आती है थोड़ा बहुत, और स्क्रैच एंड विन इस पर क्लिक कीजिए। मैंने अभी एक भी नहीं जीता है, ऐसा बात नहीं है कि मैंने जीत लिया। एकदम ये ऐप है, अब खेल कर अपन देखिए, समझ में आए तो खेलिए, नहीं आए तो वाह, आए तो भी वाह, ठीक है। और ऐप मैं अभी खिला रहा है, अभी बहुत ही स्लो ऐप है ये,
बहुत ही स्लो ऐप है। क्या है बोल रहा है ये, कुछ कोई भी काम की बात नहीं, मैं सब काम कर दिया हूँ फ्रेंड्स। ये गलत वलत बोल रहा है, साइन हाबी जबी सब गलत बोल रहा है, सब गलत बोल रहा है फ्रेंड्स। मूर्ख बना के आपको ठग गिलेगी यार ये ऐप, ये जो है थोड़ा डफर टाइप का है, पैसा देता है ऐसा बात नहीं है, देता है ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। अच्छा ऐप है, खिली ऐप के लिए मज़ा आ जाएगी। स्पाइन को लेना हो मैं क्लिक किया, काम कुछ हो रही है नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, अभी थोड़ा स्लो है। स्लो है एंड और कुछ नहीं बताऊंगा मैं। सोलह है यानी सोलह है फिर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात किए हैं, क्या क्या बात किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बात बताइएगा। और फ्रेंड्स मैंने देखा है कि बहुत सारे भाई उसे कमेंट करते हैं, लेकिन क्या क्या कमेंट करते हैं वही समझते हैं। और ठीक है जो आप कमेंट कीजिए अच्छा बात है, लेकिन गाली नहीं देते हैं अच्छा बात है, लेकिन उसमें लिखते हैं हे यू ओ माय गॉड आई लव यू, ये बहुत बड़ा कमेंट हो जाता है, इतना बड़ा कमेंट कि मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो प्लीज़ थोड़ा शॉर्ट कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट दिखाता हूँ। यूट्यूब स्टूडियो हो गया ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत बड़ा बड़ा कमेंट है कि नहीं फ्रेंड्स। क्या टीसी टिश्यू का आना चीनी के साथ, यह भी कहा था कि चीन के साथ ही ये कहना, चीन के साथ ही भी कहना कि चीन के साथ, ये नीति ये सब ठीक नहीं है ठीक है। और बहुत सारे हैं जो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट नहीं कीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं बात है, अच्छा बात नहीं। कमेंट सिर्फ कर देना, मैंने कमेंट बोला है, बहुत सारे भाई अच्छे कमेंट करते हैं और बहुत कुछ अवार कबार आ जा रही है अभी, फिर भी मुझे इन लोगों को लाइक देना पड़ता है, इसलिए देना पड़ता है क्योंकि अपना फैमिली है। इन लोगों को लाइक देना पड़ेगा, लाइक नहीं दीजिएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा फ्रेंड्स। इन लोगों को लाइक मैंने दे दिया, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि आपको अच्छी लगी होगी मेरे वीडियो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहीं बोलकर मैं अलविदा बोलना चाहूँगा अभी के लिए, तो जय हिंद जय भारत और वंदे मातरम।